नवीनतम आदेश हैं उनके अनुसार अब बसों की जो छतें हैं उन पर ना तो लगेज कैरियर रह गए हैं और ना ही सीढ़ी रह गई है ताकि कोई ऊपर ना चढ़ सके। हम अपनी बस आप देखते भी होंगे उसकी खिड़की बंद रहती है चलते समय, तो खिड़की में भी कोई नहीं लटक पाता आप, और न ही बसों की कमी है जो हमारे रूट हैं, तो परिवहन निगम में तो ये समस्या है ही नहीं। जो निजी संचालित बसें हैं उनमें प्रायः देखा गया है कि जो नित्य आने वाले लोग हैं विशेषतया छात्र, वे उनके परिचालकों को किराया नहीं देते, मार धाड़ करने की नौबत आ जाती है तो वो फ्री चलने की वजह से उसी बस में चढ़ते हैं जो पहले चलने को तैयार है और उसमें लटक जाते हैं। इस पर एक खतरनाक है और इस पर संबंधित जो थाने रास्ते में पड़ते हैं और जो परिवहन अधिकारी है जो इस चीज़ को विनियमित करने के लिए देखते हैं उनको और अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। बच्चों के माँ बाप को भी और उनके शैक्षणिक संस्थानों को भी इस विषय में हम प्रेरित करना चाहिए अपने छात्रों को कि वे बल लटक कर न चलें, किराया दे कर चलें, सुरक्षित चलें। ऐसे बहुत इस साल बहुत सारे अभियान चल भी रहे हैं सरकार के और मैं उम्मीद करता हूँ कोई उसका सकारात्मक हादसे हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी में खास तौर से जो बाहर लटके रहते हैं हाथ ठिठुरने पे जो पकड़ा हुआ होता है लोहा वो प्रायः छूट जाता है, या जब बस ओवरटेक करती है या कोई क्रॉस करती है तब किसी दूसरे वाहन से टच होकर गिरने के खतरे रहते हैं। खतरनाक, बहुत खतरनाक है, ये हादसे होते हैं इसमें। इन दिनों स्कूली छात्र मौत का सफर करने को मजबूर हैं। स्कूली छात्र ना सिर्फ बसों की छत पर सफर कर रहे हैं बल्कि बसों के पीछे लगे जाल और खिड़कियों पर लटक कर जान जोखिम में डाल स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि छात्रों से लदी बस सड़कों पर सरपट दौड़ रही है। छोटी सी चूक से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसके संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।